क्या राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे? भाई साहब देश का बेड़ा गर्क हो जाएगा, देश का बेड़ा। नहीं बनेंगे प्रधानमंत्री, अब की बार नहीं बनेंगे प्रधानमंत्री। नहीं अब नहीं बनेंगे, उनको झोला लेके जाना पड़ेगा। अब जिस दिन वो बढ़ जाएगा ना, मैं तो सुसाइड कर लूंगा। मैं ये नहीं कह रहा कांग्रेस का प्रधानमंत्री मत बनो, पर मैं किसी सुनो एक आदमी के ऊपर कह रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि मोदी प्रधानमंत्री चाहे वो हार जाए है ना और बढ़ जाए, पर राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री के लिए चेहरा ठीक नहीं है। राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री चेहरा ठीक नहीं है। कांग्रेस में कोई बन सकता है, बहुत लोग है। अगर अगर मोदी प्रधानमंत्री बने तो क्या करेंगे? क्या करूंगा मैं तो रोजगार की मांग कर रहा हूँ। मैं इनकी तरह अंधभक्त नहीं हूँ, मैं इनकी तरह अंधभक्त नहीं हूँ जो सुसाइड करूंगा। ये अभी बात कर रहे हैं 10 साल में मोदी मोदी मोदी, तुम्हारे 70 साल से कांग्रेस थी, उन्होंने क्या कर लिया? तुम बड़े अमीर, तुम्हारे घर में सोना चांदी था, तुम्हारे घर में सोना, घर में सोना चांदी था, इनके घर में सोना चांदी था। बात कर रहे हैं इनके घर में सोना चांदी था। बेरोजगारी का सबसे बड़ा कारण ये है कि भारत के अंदर पहले सबसे सारे लोग कला पे आधारित थे, कला पे आधारित है। अब ओनली कला से बिछुड़कर ओनली शिक्षा पे आधारित हो गए, तो इस वजह से क्या है कि सारे तो डॉक्टर नहीं बन सकते, सारे इंजीनियर नहीं बन सकते, सारे लोको पायलट नहीं बन सकते, सारे पॉलिटिशियन नहीं बन सकते, है ना? तो फिर और काम कौन करेगा? इसलिए मोदी कह रहे पकौड़े बेचिए। अब पकौड़े हर काम बड़ा होता है, नहीं हर काम सुनो, हर काम बड़ा होता है, सुनो मेरी बात सुनो, हर काम बड़ा होता है, कोई काम छोटा नहीं होता है। अब ये भाई चाय बना रहा है तो इसका मतलब ये चले कि चाय बना रहे छोटा आदमी है, और चाय बनाना बंद कर देगा तो फिर कौन पिएगा? हाँ रोटी के लिए बेच रहा चाय, वो उसकी कमाई नहीं है। सुनो अरे मेरे पास सुनो, कुछ कुछ लोग भाई साफ सफाई करते हैं, वो साफ सफाई बंद कर देगा तो हॉस्पिटल में कचरा फैल जाएगा, इनका बाप जान में आएगा। तो काम तो सारे सही है, मेरी बात सुनो, काम सारे सही है, जो जो आदमी कर रहा है वो सही है। अब सारे डॉक्टर बन जाएंगे, सारे इंजीनियर बन जाएंगे, सारे सप्लाई बन जाएंगे, सारे गवर्नमेंट हो जाएंगे, कहाँ से आएंगे? इनको सपना आता है कि रोजगार तो मेरे को भी चाहिए, पर क्या अंधभक्त है बेचारा, मोदी की तो करेगा ही मोदी मोदी। सुनो अब सब चुप रहो, सब चुप रहो, रोजगार किसको चाहिए? सुनो चुप रहो ना यार, रोजगार जिसको चाहिए उसको रोजगार मैं दिलाऊंगा। जिसको रोजगार 50 लाख रुपए का पैकेज है, मेरी कॉलेज में चलो बढ़िया टैक की बढ़िया बढ़िया कंपनी आएगी। बोलने दो, बोलने दो, जवाब चाहिए तो बोलने दो। इनको आप पढ़े लिखे हो ना, नौकरी आपके पास, मतलब जिसको भी नौकरी चाहिए मेरे साथ मेरे कॉलेज में चलना ना, बता रहा हूँ ना, चलो कॉलेज में बढ़िया टैक कंपनी आती है, ठीक है। एक मिनट सुनिए, एक मिनट सुनिए, सवाल सुन लीजिए प्लीज, थोड़ा गैप दे दीजिए, थोड़ा गैप दे दीजिए, बस सुन लीजिए पहले, इस बार एक बार सुन लीजिए प्लीज, प्लीज सुन लीजिए। मुझे बस ये बताइए दौसा के और इस राजस्थान के युवाओं को इस बार सरकार किसकी चाहिए? कांग्रेस की। मेरी बात सुनो ना, कितना एक बार सुनिए, एक बार सुनिए, क्या कितना ही हाँ ना, कांग्रेस का सांसद जीतेगा, क्योंकि जब राहुल गांधी आया था ना तो सबसे ज्यादा इंडिया की भीड़ दौसा में थी। क्या एक बार सुनिए, आराम एक बार सवाल सुनिए, सवाल सुनिए, क्या राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे? भाई साहब देश का बेड़ा गर्क हो जाएगा, देश का बेड़ा। नहीं बनेंगे प्रधानमंत्री, अब की बार नहीं बनेंगे प्रधानमंत्री। नहीं अब नहीं बनेंगे, उनको झोला लेके जाना पड़ेगा। अब जिस दिन वो बढ़ जाएगा ना, मैं तो सुसाइड कर लूंगा। सुसाइड करोगे ना, नंबर लो इसके, ठीक है। मैंने आपको बोला था ये अंधभक्त है, और मोदी चला जाएगा तो सुसाइड तो करेगा। मैं ये नहीं कह रहा कांग्रेस का प्रधानमंत्री मत बनो, पर मैं किसी सुनो एक आदमी के ऊपर कह रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि मोदी प्रधानमंत्री चाहे वो हार जाए है ना और बन जाए, पर राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री के लिए चेहरा ठीक नहीं है। राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री चेहरा ठीक नहीं है। कांग्रेस में कोई बन सकता है, बहुत लोग है। अगर अगर मोदी प्रधानमंत्री बने तो क्या करेंगे? क्या करूंगा मैं तो रोजगार की मांग कर रहा हूँ। मैं इनकी तरह अंधभक्त नहीं हूँ, मैं इनकी तरह अंधभक्त नहीं हूँ तो सुसाइड करूंगा। बधाई दे देंगे राहुल गांधी, राहुल गांधी हाँ, राहुल गांधी को बनाने कांग्रेस में देंगे वोट। हम तो दे विजय भी परेशान हो चुके हैं। प्रधानमंत्री कौन चाहिए? कोई भी हो सकता है कांग्रेस का। कांग्रेस को वोट देने के 10 कारण बता दीजिए, बताइए 10 कारण। आप 5 कारण बताइए। आप बीजेपी को वोट देने के 5 कारण बता। अब सुनिए मैं रुको एक मिनट, मैं बोलूँ ना उस मुद्दों को छोड़ के, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम,
सवाल आपका आ गया, 10 कारण बताइए। 5 कारण बता दो। कंडीशन है हिंदू मुस्लिम राजनीति करते हैं, हिंदू मुस्लिम और कुछ नहीं है। राम मंदिर कश्मीर इसको 370 इनको हटा दो, 3 तलाक को हटा के 5 कारण बता दो मोदी। अरे रोड़ा सुनो, रोड़ा ने करेगा तो मैं बताऊंगा। मेरी पार्टी पड़ के कुआ में अने मैं बताऊ अने काम कांग्रेस के भी 70 साल में काफी थे और बीजेपी के थे, 5 काम बीजेपी के करे थे ना। मैं कह रहा हूँ देखो, जब भी बैंक के खाते खुलते थे 2014 से पहले तो 200 रुपए या 5 बार कम से कम जोड़ी की स्थिति ना बैंक में जब जाके खाता खुलता था। दूसरी अरे रुको तो सही, तुम क्या लेना, मैं काम गिना रहा हूँ ना, मेरी बात सुनो। उसके बाद महिलाओं को मतलब कि सिलेंडर वगैरह सुनो आ गए 15 लाख खाते में। सुनो महिला सुनो, अरे रुको, महिलाओं को सिलेंडर आंखें खराब होती थी उनके लिए सिलेंडर मिला, शौचालय मिला। और आज इनके गांव में पूछ लेना, इनके गांव में पूछ लेना, 2014 से पहले कम से कम 20-25 घर आजादी से अब तक अंधेरे में रहते थे, मोदी को आने के बाद में उजाले में हुई है। देख लेना चाहिए, आज जाके उनके लाइट लगी है, इनके बाप दादा जो 70 साल में अंधेरा में मर गया। 2009 में सिलेंडर 450 का आता था 2009 से पहले, अब कितने का है? 920 का। मेरी बात सुनो, ये कह रहे ना महंगाई की, इनसे सर्वे करवाओ और इनसे पूछो 2001 में सिलेंडर कब था, कितने का था? पेट्रोल 60 रुपए लीटर हुआ था। 2001 में कितने का था? 8 हो गया, 108। नहीं मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, 2014 से पहले और अब पहले सिलेंडर कितने का मिलता था 2014 से पहले? पहले कितने दिन लाइन में लगते थे? पहले कितने दिन लाइन लगते थे? कोई लाइन नहीं लगती थी, कोई लाइन नहीं लगती। मेरी बात सुनो ये तो कहे, सुनो ये क्या कहेगा, मेरी बात सुनो क्या कहेगा। जैसे आज एक पंचर बनाने वाला है, अब उससे जाके पूछेंगे भाई तू 5 साल पहले कहते पंचर बनाओ 10 रुपया में, आज से डायलर ट्यूबलेस टायर की गाड़ी हैगी, डायलर घुसाया उन्हें काले, अब वो बना रहे 60 रुपये में। सुनो आप हुआ बढ़ा रहा है 60 रुपए में, तो इनको क्या लगता है कि वो तो बढ़े पर और चीज ना बढ़े, मतलब इनका बिजनेस तो बढ़े बढ़े वो सिलेंडर ना बढ़े। सुनो ये 2001 में, 2001 का देखो, 2001 में सिलेंडर कितने का था? आप बोल रहे हो पैसे वाले का बिजनेस है। एक सवाल सुनिए, इनसे ये पूछो, अभी पीछे एक मिनट, अभी एक मिनट, अभी पीछे से कोई कह रहा था 15 लाख, कौन कह रहा था जरा आगे आइए, हाँ आगे आइए थोड़ा सा, कौन कह रहा था 15 लाख? हाँ आप कह रहे थे, आ गया जी। हाँ अभी ये बताइए, कांग्रेस खुद ये कहती थी कि जो दिल्ली से अगर 1 रुपया चलता है तो यहाँ 15 पैसा आता है, अभी जो 1 रुपया चलता है वो कितना आता है यहाँ पर? मैं तो सीधी एक बात, 15 रुपया सुनो आता ही नहीं है। देखो ये राजीव गांधी जो पहले प्रधानमंत्री थे वो भी इस चीज को एक्सेप्ट कर चुके हैं कि पहले एक बेचते थे ना। अरे मेरी बात सुनो यार, रुको मेरी बात सुनो, पहले मनमोहन सिंह की सरकार थी, उस टाइम पे मनमोहन भी मान चुका है कि भाई पहले मैं 1 रुपया बेचता था ना तो यहाँ 10 पैसे आके पहुंचते थे, आज चाहे बंदा चले चाहे 5 पैसा डालो पर पूरा खत्म हो सीधा, चाहे 5,000 डालो। पहला तो ना करते ना डायरेक्ट तजोरी में जाओ, पहला डायरेक्ट तजोरी में जाओ मनमोहन के टाइम पे और सरकार के टाइम पे डायरेक्ट तजोरी में जाओ। अब अंबानी और अडानी को छोड़ के किसका भला हो रहा है वो बताओ आप, बोलो। मेरी बात सुनो, कांग्रेस के राज में 35 लाख, कांग्रेस के राज में 35 करोड़। ये अभी बात कर रहे 10 साल में मोदी, तुम्हारे 70 साल से कांग्रेस, उन्होंने क्या कर लिया? तुम बड़े अमीर, तुम्हारे घर में सोना चांदी था, इनके घर में सोना चांदी था। नहीं 70 साल से कांग्रेस थी जब इनके घर सोना चांदी था, ऐसा काम इनके शरीर के, तुम्हारे घर में सोना चांदी क्यों नहीं? अब सारा काम 70 साल से, मेरी बात सुनो, जब 70 साल में सारा काम कर रहे थे, अब जो बिल बुला रहे हो, जब काम ही हो गया था तो बिल बला चुरी हो, फिर 70 साल में पानी आ गया, बिजली आ गया, सब आ गया, अब जो बिल बला रहे हो भाई जो कर रहे हैं। सुनो हर सरकार आगे की तो सोचो, मको बोल नहीं, मको बोल मर गए इनको 2047 दिख रही है, काय काय बोल दूं यार भाई साहब। पहले मोदी के राज में हम बोतल लेटरिंग भी करने जाते थे ना, पहले गांव वाले कोई भी आदमी बोतल लेके जाते थे, आज मोदी के राज में घर में आराम से बैठ के लेटरिंग कर सकते हैं। अरे भाई पहले जो ना बाण बेटी जो होती ना, नहीं सभी बाण बेटी, मेरी बात
पूरी भाड़ बैठी थी ना, पहले जंगल में जाती थी लेटरिन करने भी, लेटरिन करने भी भाड़ बैठी जंगल में जाती थी आज आराम से शौचालय बनाने। हाँ, शौचालय से सब कुछ होता है, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, कंट्री शौचालय बनाने से कितना फायदा हो गया। नहीं, रोज दिन लुगाई हर औरत नहाने के लिए बाहर बैठ के नहाती थी, लेटरिन करने के लिए जंगल में जाती थी, आज कुछ भी नहीं है। आज बिल्कुल आराम से तसल्ली से 12 बजे भी लाख पेट में प्रॉब्लम होती है ना, जब भी जाती है घर में बैठ के। नहीं, चार आदमी है ना, चार आदमी उनके साथ जाती थी लेडीज। बस यही किया अगर तुम्हें कांग्रेस को लाना है तो कांग्रेस को जिताओ ना, जिताओ, कौन रोक रहा है तुम्हें, कौन नहीं जिताओ, कांग्रेस को जिताओ, जिताओ। मोदी किसी को शौचालय को रोजगार समझते हैं, मंदिर को एक मिनट। अरे तो भाई नहीं, आज तो ये बोल रहे शौचालय को मंदिर समझते हैं, कल उनके खाते में पैसे आते लेटरिन बाथरूम के, वो क्यों लिए फिर इन्होंने? इसके घर में बन रहा है, इसके घर में है, इसके घर में है, मैं देख के आया हूँ, मैं इसके घर में देख के आया हूँ, मैं इसके घर में देख के आया हूँ, इसके घर में। हाँ, मैं देख के आया हूँ इसके 1000 में, हमारे भैया घर में, मेरे घर में, चलो 12000 में गटर बाथरूम गटर बनवाया ना हमने, किसी के घर में तो